सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो हम लोग जो है ये सब्जेक्ट एक ओपन इलेक्टिव पेपर है या प्रोग्राम इलेक्टिव कह सकते हैं, जो कि बीटेक 7 सेमेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि आपके कॉलेज में भी ये सब्जेक्ट जो है आपका हो। तो अगर आपका सब्जेक्ट से आपके कॉलेज में है तो आप इस वीडियोज़ को देखने के लिए यहाँ पर जो है क्लिक किए होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको टॉपिक को जो है समझाऊँगा। तो क्वेश्चंस है आपका, एक्सप्लेन अबाउट हाउ GIS एंड GPS इंटीग्रेटेड सिस्टम कैन बी यूज्ड, कैसे यूज किया जाता है टुगेदर इन वेरियस फील्ड एंड आल्सो एक्सप्लेन, है ना, अलग अलग फील्ड्स में एक साथ कैसे यूज किया जाता है GPS और GIS, और साथ ही उसका फील्ड एप्लीकेशंस क्या है उस एरियाज में, कौन कौन से एरियाज। तो यहाँ पर कुछ एरियाज जो है आपको दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, दूसरा है कंस्ट्रक्शन वेस्ट मैनेजमेंट, तीसरा है अर्बन प्लानिंग, चौथा है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, और पांचवा है अर्थ साइंस। तो इन फील्ड्स में कैसे GIS और GPS का यूज किया जाता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो डियर, सबसे पहले अगर बात किया जाए GIS, तो GIS का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड GPS की मीनिंग बात किया जाए या फुल फॉर्म एब्रीविएशन बात किया जाए तो होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आर टू टेक्नोलॉजिकल्स, है ना, दो अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं GPS और GIS डैट कैन बी इंटीग्रेटेड टू प्रोवाइड अ पावरफुल टूल फॉर वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन इन डिफरेंट फील्ड। अलग अलग फील्ड्स में क्या होता है कि जब GIS और GPS को एक साथ इंटीग्रेट करके, मतलब एक साथ GPS और GIS दोनों को एक साथ इंटीग्रेट करके यूज किया जाता है, तो वो एक पावरफुल टेक्नोलॉजी का टूल्स जो है बन जाता है। GPS और GIS अलग अलग तो हेल्पफुल हैं ही हमारे लिए, लेकिन उसको अगर एक साथ यूज करते हैं तो वो एक अनदर एनर्जी के साथ, अलग एनर्जी के साथ, अलग पावर के साथ हमें हेल्प करता है अलग अलग फील्ड में। बात किया जाए आपका GIS की, तो GIS जो है ये प्रोवाइड करता है कैपेबिलिटी टू कलेक्ट, स्टोर, एनालाइज एंड विजुअलाइज जियो स्पेशियल डाटा, ठीक है। इन डाटा को क्या करता है, कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, एनालाइज करता है और विजुअलाइज करता है, जो भी जियो स्पेशियल डाटा होते हैं उसको कौन करता है, तो GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। बट जो GPS होता है ये अलाउ करता है फॉर द एक्यूरेट पोजिशनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट और असेट्स इन द फील्ड, किसी भी फील्ड में उसका पोजीशंस को बताता कौन है, एक्यूरेट पोजीशंस को, तो GPS, यानी पोजीशन एक्यूरेट पोजीशंस को भी बताया जा रहा है और उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर किया जा रहा है उस डाटा को और एनालाइज किया जाता है, तो ये पूरा काम एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में हो जाता है, उसी को कहा जाता है GIS GPS इंटीग्रेटेड सिस्टम। When these two technologies are combined, जब ये दो technologies को combine किया जाता है, they can provide a more comprehensive and detailed view of a particular area, किसी भी area को particularly उसका एक detailed view जो है हमें provide करता है, जो कि help करता है decision making in various industries, अलग अलग industries में हमें information provide करने के लिए, and make informed decisions, ताकि आप जो डिसीज़न ले रहे हैं वो बेहतर तरीके से ले सकें और वो आपके हित के लिए हो, आपके समाज के लिए हित में हो, ताकि उससे एक बेटर इन्वायरमेंट डेवलप हो सके। तो सबसे पहला जो फील्ड है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में GIS और GPS जो है इंटीग्रेटेड जो सिस्टम होता है इसका यूज किया जाता है टू ट्रैक और मॉनिटर व्हीकल्स को और ट्रैक को मॉनिटर करने, मतलब उसको ट्रैक करने के लिए कि कौन सा व्हीकल्स कहाँ पे जा रहा है,
क्या कोई एक्सीडेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कहीं पे सिग्नल गड़बड़ हुआ है तो उसको कैसे करेक्ट किया जाए, कौन सा व्हीकल्स कितनी स्पीड से जा रहा है, किस रोड पे क्या डेंसिटीज़ है, इन सभी को मेज़र और प्रॉपर करेक्ट लोकेशंस बताता है। साथ ही साथ आप GPS और GIS की मदद से आप क्या कर सकते हैं, मान लो कि आप कहीं जाते हो तो गूगल मैप आप खोल कर जो है बैठ जाते हो, है ना, तो गूगल मैप खोल कर जो है आप जाते हो, तो ये जो गूगल मैप से आप जाते हो इसमें आपका क्या होता है कि आपका जो है बताता है कि हाँ कौन सा रोड से आप जाएंगे तो आप कितने टाइम में पहुंचेंगे, अलग अलग रूट्स दिखाता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स आपको गूगल मैप पे चलकर बताते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, गूगल पे सर्च किया कि अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज जो कि गया में है, यहाँ से इस डिस्टेंस से है ना हमारा जो गया रेलवे स्टेशन है वो कितना दूर है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि तीन रूट यहाँ पे जो है दिखाया जा रहा है। एक रूट ये है जो कि ब्लू वाला है, और ये इधर ब्लैक ग्रे कलर का या ब्लैक कलर का है, ये एक रूट हो गया और एक इधर से रूट हो गया, यानी टोटल तीन रूट ये दिखा रहा है। अब ये जो तीन रूट दिखा रहा है यहाँ पे हमें बोल रहा है कि अगर आप फोर व्हीलर से जाएंगे तो आपको जो है 15 मिनट लगेगा और 6.4 किलोमीटर आपका है। ये जो ब्लू लाइन दिखा रहा है उससे अगर आप जाएंगे तब, अब ये ब्लू लाइन को हम चेंज करके इस वाले लाइन पे आते हैं जो बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा है उस पे, तो इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो अब ब्लू लाइन अब उस पे शिफ्ट हो जाएगा। अब ये ब्लू लाइन जो शिफ्ट हुआ है यहाँ से, अब यहाँ पे देखिएगा तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपका जो है 7.3 किलोमीटर हो जा रहा है और 19 मिनट आपका लगेगा। आप बीच बीच में देख रहे होंगे कि कहीं पे जो है येलो लाइट दिखा रहा है ना, कहीं कहीं पे ये तो है तो पूरा ब्लू बट कहीं कहीं पे येलो है, ये आपको इंडिकेट करता है कि उस एरिया में यानी ये जो पोजीशंस दिखा रहा है इस पोजीशंस पे आपकी जो ट्रैफिक जैम है वो आपको देखने को मिलेगा। वही इस पे देखेंगे तो इस पे जो है सिर्फ ट्रैफिक जैम कहाँ पे देखने को मिलेगा, स्टेशन के पास में। अगर ये वाला रूट पे तीसरा रूट पे देखेंगे तो तीसरा रूट पे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ट्रैफिक मिलेगा, थोड़ा जाम मिलेगा, लेकिन रेड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको जाम देखने को मिलेगा। तो ये अलग अलग रूट्स जो है आपको दिखा रहे हैं, और ये फोर व्हीलर से देखें, वही अगर टू व्हीलर का यूज करेंगे तो आप टू व्हीलर पे क्लिक करेंगे तो उसमें आपका टाइमिंग बताएगा। ये टाइमिंग कैसे बता रहा है, ये आपका GIS और GPS दोनों को इंटीग्रेटेड सिस्टम यूज किया गया है और उसकी मदद से ही ये जो है आपको बताया जा रहा है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है। वही टू व्हीलर यानी बाइक से अगर आप यूज़ करेंगे तो देखिए सिर्फ यहाँ पे भी दो रूट दिखा रहा है, एक तो ये सीधे इस तरीके का रूट और एक यहाँ से इस तरीके का रूट आप यूज कर सकते हैं। तो आप अगर बाइक से जाएंगे तो आपको कहीं पर भी कोई ट्रैफिक जैम नहीं मिलेगा, चाहे वो हैवी ट्रैफिक जैम हो या लाइट ट्रैफिक जैम हो, किसी तरीके का कोई देखने को नहीं मिलेगा। वही अगर यहाँ पे देखेंगे ये वाला पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये वाला देखिए रूट, ये नहीं हमको स्टॉपेज नहीं करना था, हमको ये वाला रूट देखना था। देखो तो ये अनदर रूट करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक जो है आपको देखने को मिल सकता है। चलो ये तो मैंने गया का एग्जाम्पल्स लिया क्योंकि ये हमारा बिहार का है। अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में चलते हैं, चलो चांदनी चौक टू सर्च कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, रेड फोर्ड ठीक है, लाल किला देख लेते हैं कहाँ से, तो नई दिल्ली स्टेशन से, है ना, आप पुरानी दिल्ली भी सर्च कर सकते हैं, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से ठीक। जब आप सर्च करेंगे तो चलो सबसे पहले हम फोर व्हीलर से यूज करते हैं, है ना, ये थोड़ा रूट को फाइंड करता है क्योंकि आपका GIS और GPS को जो है इंटरलिंक करता है, क्योंकि जब तक दोनों इंटरलिंक नहीं होगा जब तक आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ कहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये चलो ऑन हो गया। अब देखो यहाँ पे आप अगर इसको करोगे तो
आपको जो है दो रूट देखने को मिलेंगे, एक इस तरीके का ये रूट मिलेगा और एक ये रूट मिलेगा, एक ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन पे भी कहीं कहीं रेड है, कहीं पे येलो है। येलो बताता है कि आपका लाइट ट्रैफिक मिलेगा और रेड जो है बताता है कि हैवी ट्रैफिक जैम आपको जो है उस रूट में दिखने को मिलेगा। तो आप अपना रूट जो है चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हैवी रेड ट्रैफिक देखने को मिलेगा, ये जो दिल्ली स्टेशन है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे जो मिंट रोड है, यहाँ पे चौक के पास, यहाँ पे भी जो है आपको हल्का ट्रैफिक मिलेगा। तो ये आपको ट्रैफिक को इंडिकेट करता है। यहाँ पे आप मेट्रो का भी सुविधा ले सकते हैं, है ना, आप मेट्रो से भी यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बाय रोड मैं बता रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे अनदर यूज करेंगे, अगर टू व्हीलर से यूज करेंगे तो देखिए टू व्हीलर से इजीली आप जा रहे हैं, यहाँ पे आपको लेकिन ट्रैफिक देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी दो रूट्स आपको यहाँ पे भी मिल रहे हैं, है ना, यहाँ पे भी आपको दो रूट्स जो है मिल रहे हैं। वही अगर आपको आगे बात किया जाए तो और भी कोई सर्च कर सकते हो, है ना, जो कि आप सर्च करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको इंडिकेट करता है, अलग अलग कलर से आपको जो है इंडिकेट किया जाता है, है ना। और ये डिस्टेंस भी आपको बताता है, कितना टाइम लगेगा वो भी आपको जो है यहाँ पे बताता है। अगर आप पैदल चलते हो तो देखो, पैदल आप अगर आप चलना चाहो तो पैदल जो है 40 मिनट में पहुँचोगे, 3.1 किलोमीटर डिस्टेंस जो है ये है। तो अब पैदल वाला जो है जो टाइमिंग दिया गया है, ये एक स्टैंडर्ड टाइमिंग दिया गया है। क्या दिया गया है? एक स्टैंडर्ड टाइमिंग ये आपका दिया गया है। अगर आप थोड़ा फास्ट चलते हैं तो हो सकता है कि 40 के जगह पे 30 मिनट में ही पहुंच जाएं, है ना, या आप बहुत ज़्यादा स्लो चलते हैं तो हो सकता है कि 40 मिनट के जगह पे आप 50 मिनट भी आपको टाइम मिल जाए, लग जाए, या फिर आप बीच में कहीं रुक गए, कुछ सामान वगैरह खरीदने लगे तो उसमें भी टाइम आपका जाएगा। तो आप पैदल जा रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आपको कई सारे रूट सजेस्ट करेगा। एक तो ये रूट सजेस्ट किया, फिर एक ये रूट है जिस जो कि यहाँ पे सजेस्ट किया। आप वही अगर पुरानी दिल्ली स्टेशन से सर्च करेंगे तो थोड़ा नज़दीक पड़ जाएगा। तो आप अलग अलग रूट्स यूज कर सकते हो और इस पर अलग अलग रूट्स के अनुसार आपको जो है पता चलता है कि कहाँ पे ट्रैफिक जाम ज़्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा, ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आएगी। ओके, आई होप कि ये चीज़ें समझ में आया होगा। व्हीकल का रूट्स, मूवमेंट्स, है ना, कौन सा रूट आपको अपनाना चाहिए, जो कि बताता है आपको, मैंने अभी गूगल मैप में भी जाकर जो है बताया कि कैसे होता है। एंड मैनेज ट्रैफिक, ट्रैफिक को मैनेज करने में GPS डिवाइस इंस्टॉल्ड इन व्हीकल्स कैन प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन व्हीकल लोकेशंस एंड स्पीड विच कैन बी यूज्ड, जिसका यूज किया जाता है ऑप्टिमाइज करने के लिए रूट्स को, और जिस एरिया में ज़्यादा भीड़ भाड़ है उसको अवॉइड करने के लिए, ताकि आपको पता, जब आपको पहले ही पता चल जाएगा कि हम इस रूट से जाएंगे तो हम जैम में फंसेंगे, तो आप कोशिश करते हैं कि दूसरा रूट यूज करें जिसमें आपको जैम में फंसना ना पड़े, है ना। साथ ही साथ आपको जो है GIS जो टेक्नोलॉजी है कैन ऑल्सो बी यूज टू एनालाइज ट्रैफिक पैटर्न, ट्रैफिक के पैटर्न को भी एनालाइज करने के लिए आप GIS का यूज करते हैं। ट्रैफिक पैटर्न का मतलब क्या, जैसे कई बार क्या होता है कि आप घर से निकलते हैं, है ना, तो घर से मान लो कि मॉर्निंग 6 AM में निकलें तो आपको जो है कोई भी ट्रैफिक जैम जो है नहीं मिला, है ना, ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो स्मूथली हुआ, कहीं पे भी आपको रुकना नहीं पड़ा। लेकिन वही अगर 6 AM के जगह पे अगर 10 AM गए, जो कि एक ऑफिस आवर का, है ना, गवर्नमेंट ऑफिस का टाइमिंग है, तो इस टाइमिंग पे अगर आप जा रहे हैं, है ना, इस टाइमिंग पे अगर आप जा रहे हैं तो आपको जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम देखने को मिलेगा। वही अगर आप 8 AM पे निकलते हैं तो आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक जैम देखने को मिलेगा। तो ये पैटर्न बताता है कि किस टाइमिंग में आप अपने घर से निकलेगा तो आपको जो है ट्रैफिक जैम सामना करना पड़ेगा। तो ये पैटर्न, ट्रैफिक का पैटर्न को बताता है। या फिर जैसे आप
कब, जब एग्ज़ाम्स होते हैं, है ना, जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो उस टाइम में ट्रैफिक ज़्यादा होता है, जब एग्ज़ाम टाइम नहीं रहता है, नॉर्मल डे रहता है तो कम होता है। वैसे ही अगर आप वीकली देखें तो संडे टू सैटरडे आपका ट्रैफिक रहेगा 10 से 5 के बीच में, लेकिन वही अगर आप संडे की बात किया जाए तो संडे को अलग टाइम पे आपका जो है ट्रैफिक में रश देखने को मिलेगा, कंजेशन देखने को मिलेगा। तो ये अलग अलग पैटर्न्स को भी एनालाइज और आइडेंटिफाई करने के लिए GIS जो टेक्नोलॉजी है इसका यूज किया जाता है। एंड आइडेंटिफाई द एरिया दैट रिक्वायर्ड इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, साथ ही साथ ये भी बताता है GIS कि किस जगह पे हमें जो है इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है ताकि जो ट्रैफिक है ना उसमें बेहतर सुधार लाया जा सके, ट्रैफिक जो भी व्हीकल्स हैं उसके मूवमेंट में सुधार लाया जा सके, स्मूथ किया जा सके। दूसरा फील्ड है आपका कंस्ट्रक्शन वेस्ट मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन वेस्ट मैनेजमेंट, इन कंस्ट्रक्शन वेस्ट मैनेजमेंट GIS और GPS इंटीग्रेटेड सिस्टम कैन बी यूज टू ट्रैक द लोकेशन, लोकेशंस को ट्रैक करने के लिए एंड वॉल्यूम ऑफ वेस्ट जनरेटेड बाई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के द्वारा कि कहाँ पे वेस्ट जनरेट किया जा रहा है, कितना मात्रा में जनरेट किया जा रहा है, उसको ट्रैक करने के लिए भी जो है GIS GPS इंटीग्रेटेड सिस्टम का यूज किया जाता है। दिस कैन बी हेल्प मैनेजर्स टू ऑप्टिमाइज वेस्ट डिस्पोजल। ये मैनेजर्स को बताता है कि भाई आप ऑप्टिमाइज वेस्ट डिस्पोजल कैसे करोगे एंड रिसाइकलिंग एफर्ट्स एज वेल एज आइडेंटिफाई करना क्या एरिया वेयर वेस्ट रिडक्शन एफर्ट्स कैन बी फोकस्ड, कहाँ पे जो है वेस्ट रिडक्शन एफर्ट्स को जो है करना है, उस एरिया को भी आइडेंटिफाई करना। ताकि देखिए, जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाइएगा कि आपको वेस्ट कहाँ से लाना है, कहाँ पे डिस्पोज करना है, तो ये आपको पता कैसे चलेगा? तो ये आपको GPS और GIS का जो इंटीग्रेटेड सिस्टम्स है उसकी मदद से आप अपने आसपास के एरिया को, लोकेलिटी को देखिएगा कि हाँ अगर यहाँ पे हम वेस्ट को जो है डिस्पोजल करेंगे तो इन्वायरमेंट को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, साथ ही साथ आसपास के जो सोसाइटीज़ हैं उसको भी किसी तरीके का कोई डिजीज़ या इन्वायरमेंट को जो है लॉसेज नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें जो है देखा जाता है। उसके बाद आपका अगला जो एरिया है, फील्ड है, वो है आपका अर्बन प्लानिंग। इन अर्बन प्लानिंग में भी जो है GIS और GPS का जो है इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है यूज़ किया जाता है। इसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि मैपिंग किया जा सके कि कितने एरिया तक जो है हम अर्बन का डेवलपमेंट अभी प्रेजेंट टाइम में कर सकते हैं और आने वाले समय में फ्यूचरिस्टिक टाइम में कितने एरिया तक और डेवलपमेंट किया जा सकता है। साथ ही साथ एनालाइज लैंड यूज पैटर्न, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड अदर फैक्टर्स जो कि आपका अर्बन को अफेक्ट करता है, उन सभी पॉइंट्स को जो है यहाँ पे देखा जाता है और इन पे जो है वर्क किया जाता है, है ना, अर्बन डेवलपमेंट को जो अफेक्ट करते हैं उन पॉइंट्स को भी आपको देखना है। दिस कैन हेल्प सिटी प्लानर्स टू मेक इनफॉर्म्ड डिसीजंस, है ना, एक डिसीजंस आप अच्छे से ले सके उसके लिए जो सिटी प्लानर्स होते हैं उनको भी जो है GIS GPS जो इंटीग्रेटेड सिस्टम्स है उनके प्लानिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जोनिंग रेगुलेशंस एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी आपको मदद करें, क्योंकि अगर आप अर्बन प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे अभी जो दिल्ली शहर बना है ना, दिल्ली जो है अभी शहर है, इसका प्लानिंग किया गया होगा बनाने के लिए, ऐसे ही तो नहीं बन गया होगा, पूरा प्रॉपर डिज़ाइन किया गया जब पॉपुलेशन अच्छा खासा हो गया। जैसे गांव में आप देखते होगे कि गांव में अगर 2-4 घर है तब कोई दिक्कत नहीं है, 10-15 घर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही 10-15 घर से ज़्यादा हो जाता है तो डिसाइड किया जाता है कि नाली किधर बनाना है, रोड किधर से निकालना है, ताकि
गांव में हर किसी के घर पे टू व्हीलर फोर व्हीलर जा सके, तो वहाँ पे भी आपको प्लानिंग किया जाता है। मानते हैं कि वहाँ पे कोई इंजीनियर जाके प्लानिंग नहीं करता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे प्लानिंग यूज किया जाता है। उसी तरीके से अगर आप अच्छा खासा शहर बसाना चाहते हैं तो वहाँ पे प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं करेंगे तो रोज़ आप जाम में फंसेंगे, और कितना देर तक आप जाम में रहेंगे, हो सकता है कि 2-3 साल तक भी आप जाम में से ना निकले, ऐसा भी कंडीशन आ सकता है। तो इससे ऊपर उठने के लिए, इससे बाहर होने के लिए ये प्लानिंग किया जाता है। अगला फील्ड है आपका वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में भी GIS और GPS इंटीग्रेटेड सिस्टम का यूज किया जाता है। इसमें यूज इसलिए किया जाता है ताकि वाटर के क्वालिटी को मॉनिटर किया जा सके, वाटर के यूजेज को ट्रैक किया जा सके, साथ ही साथ वाटर के जो रिसोर्सेज हैं उनको भी मैनेज किया जा सके। जो GPS टेक्नोलॉजी है उसका यूज है हमारा वाटर के मूवमेंट के लिए भी, उसको ट्रैक करने के लिए भी जो है यूज किया जाता है। वाइल GIS टेक्नोलॉजी कैन बी यूज, लेकिन जो GIS टेक्नोलॉजी है यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो टेक्नोलॉजी है, इसका यूज किया जाता है वाटर की क्वालिटी को एनालाइज करने के लिए, या वाटर की क्वालिटी का जो डाटा है उसको एनालाइज करने के लिए, एंड आइडेंटिफाई एरियाज वेयर इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर नीडेड। और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर्स अगर बनाया गया है, जैसे डैम बनाया गया है ना, तो डैम हम लोग कोशिश करते हैं कितने सालों के लिए, मिनिमम 50 सालों तक वो जो है चल सके, इस लक्ष्य से जो है बनाते हैं। रिजर्वायर बनाते हैं तो उसमें भी कोशिश करते हैं कि मिनिमम 30 साल तक उसको कुछ ना हो, इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। अब मान लो कि हमें डैम या रिजर्वायर बना रहे हैं और वहाँ पे हम लोग GPS और GIS का कोई डिफरेंसेस नहीं देखने को मिल रहा है ना, उसका यूजेस नहीं है। अगर आप उसका यूज करके नहीं करेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा आपको। तो आपको बेहतर यूज करना ज़रूरी है। अगर आप बेहतर तरीके से यूज करेंगे, सारे डाटा को एनालाइज करेंगे, तभी जाकर जो है आप बेहतर कर पाएंगे, अदरवाइज आपका बेहतर नहीं हो पाएगा। अगला है आपका अर्थ साइंस, है ना। अर्थ साइंस के फील्ड में भी यूज किया जाता है। यहाँ पे जो GIS और GPS इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है इसका यूज किया जाता है मैपिंग करने के लिए, और जो जियोलॉजिकल फीचर्स हैं या जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उसको एनालाइज करने के लिए, साथ ही साथ जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उसको भी मॉनिटर करने के लिए, जैसे अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शंस हो गए, तो इन सभी को जो है साइंटिस्ट को जो है हेल्प मिलता है इस चीज़ से। टू बेटर अंडरस्टैंड द अर्थ प्रोसेस एंड डेवलप स्ट्रेटजीज फॉर मिटिगेटिंग नेचुरल डिजास्टर, जो नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए ये चीज़ें जो है ज़रूरी है। आई होप कि ये चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आया हो। अगर इसको ओवरऑल एक रिज़ल्ट दें, प्रोवाइड करें, तो वो हमें मिलेगा कि ओवरऑल रिजल्ट्स ये हम कहेंगे कि GIS और जो GPS है इसका जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ये हमें डिसीज़न मेकिंग के में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अलग अलग फील्ड्स में। जैसा कि मैंने आपको टोटल 5 से 6 फील्ड्स बताएं जहाँ पे इसका यूजेज किया जाता है, और उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझें भी कि किस किस एरिया में यूज़ किए जाते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि गूगल मैप में कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कैसे आपका जो है GIS और GPS दोनों जो है रिलेटेड होता है। और ये चीज़ें आपको उसमें ज़्यादा तरीके से समझ में आएगा जब आप बाइक चला रहे हो या फोर व्हीलर चला रहे हो, और आप गूगल मैप को खोले हुए हैं, आपका स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड्स है, तो आपको जो है वहाँ पे गूगल मैप पे आपको दिखाएगा कि हाँ इतना स्पीड से जा रहे हैं, तो आप जो है इतना देर में पहुँच जाइएगा, इतना मीटर है तो इतना देर में आप पहुँच जाइएगा, तो वो चीज़ वहाँ पे ज़्यादा समझ में आता है। बाय प्रोवाइडिंग मोर डिटेल्स एंड कंप्रीहेंसिव व्यू ऑफ एन एरिया, दिस टेक्नोलॉजीज कैन हेल्प टू ऑप्टिमाइज ऑपरेशंस, रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि डिसीजन मेकिंग में इम्प्रूवमेंट करता है, साथ ही साथ जो पैसा वगैरह खर्च होता है उसमें भी हेल्प करता है। तो कई सारे हेल्प करते हैं हमारा GIS और GPS
इंटीग्रेटेड सिस्टम। आई होप कि आज का सेशंस आपको जो है समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो चैनल को ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा अपने डाउट्स को, ताकि आपके जो है सॉल्व किया जा सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड आपको आने वाले समय में और भी अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच।